अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ब्रेन CS217। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हायरार्किकल मॉडल, दैट इज़ अ टाइप ऑफ डेटाबेस मॉडल। तो हायरार्किकल मॉडल की अगर हम लोग बात करें तो इट अरेंज रिकॉर्ड इन हायरार्की, यानी एक फ्लो है जिसमें एक हायरार्की के तहत सारा का सारा डाटा क्या हो रहा है, ऑर्गेनाइज हो रहा है, लाइक एन ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, एक फ्लो चार्ट की तरह। जैसे हमने पहले भी कहा था कि अगर कंपनी की एग्जांपल लें कि सबसे ऊपर सीईओ है, उसके बाद स्टाफ है, स्टाफ के बाद कुछ इम्प्लॉयज़ हैं, फिर आगे कस्टमर्स या जो भी है, यानी एक हायरार्की में डाटा सारा का सारा स्टोर हो रहा है। ईच रिकॉर्ड टाइप इन दिस मॉडल इज़ कॉल्ड अ नोड और सेगमेंट। अब ये जो हैं सारी की सारी एंटिटीज़ या ऑब्जेक्ट जिनको हम कहते हैं, इस चीज़ को वो कह रहे हैं कि ईच रिकॉर्ड टाइप, जितने भी यहाँ पे रिकॉर्ड टाइप्स हैं, इन सब के सब को हम कह सकते हैं कि दीज आर नोड्स या सेगमेंट्स। जितने भी रिकॉर्ड्स हैं हम इनको नोड्स या सेगमेंट भी कह सकते हैं। और अ नोड रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर एंटिटी। अब जैसे मैंने कहा, फॉर एग्जांपल ये है सीईओ, उसके बाद है स्टाफ, ये भी स्टाफ मेंबर, आगे ये सारे इम्प्लॉयज़ हैं। इसी तरह जितने भी नोड्स हैं या जितने भी सेगमेंट्स हैं वो एक पर्टिकुलर एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास पॉइंट है कि द टॉप मोस्ट नोड इज़ कॉल्ड रूट। ये जो है टॉप मोस्ट नोड, इट इज़ कॉल्ड द रूट। हायर लेवल नोड इज़ कॉल्ड पेरेंट एंड द लोअर लेवल नोड इज़ कॉल्ड चाइल्ड। अब जो हाईएस्ट लेवल पे नोड है, हम कह सकते हैं कि दिस इज़ द पेरेंट नोड, और इसके आगे जितनी नोड्स हैं वो इसकी चाइल्ड नोड्स हैं। ये पेरेंट नोड है और ये इसकी चाइल्ड नोड्स हैं। उसके बाद पॉइंट है कि पेरेंट नोड्स कैन हैव वन और मोर चाइल्ड नोड्स, बट द चाइल्ड नोड कैन हैव ओनली वन पेरेंट नोड। अब एक जो चाइल्ड है उसका सिर्फ एक ही पेरेंट हो सकता है। ऐसे नहीं हो सकता कि एक चाइल्ड है इसका ये भी पेरेंट है, वो भी पेरेंट है, वो भी पेरेंट है, नहीं। एक जो पेरेंट है ये हो सकता है कि उसके ये दो चाइल्ड हैं, हो सकता है कोई तीसरा चाइल्ड भी होता हमारे पास, या कोई चौथा चाइल्ड भी होता, ठीक है। एक जो पेरेंट है उसके एक से ज़्यादा चाइल्ड हो सकते हैं, लेकिन जो एक चाइल्ड है उसके एक से ज़्यादा पेरेंट नहीं हो सकते। और जो लास्ट पॉइंट है कि दिस इज़ कॉल्ड एज इन्वर्टेड स्ट्रक्चर ट्री, यानी एक ट्री का जो है वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, रूट सबसे ऊपर है और जैसे जैसे ये नीचे आता जाएगा ये बढ़ता जाएगा। तो हम इसको कह सकते हैं कि एक उल्टे दरख्त की तरह इसकी शेप है, इसका सारा स्ट्रक्चर है एज अ इन्वर्टेड ट्री। तो ये हमारे पास है हायरार्किकल मॉडल ऑफ डेटाबेस।